ड्रॉ होने के बाद ग्रिड इरेज कर लेना, ठीक है? तो कहाँ कहाँ पे अपन को शेड नहीं करना है, जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट यहाँ छोड़ेंगे अपन, ठीक है? जब ब्लेंड करते जाएंगे तब फिल करेंगे नोज के बीच में, ठीक है? नोज टेम पे रेक्टेंगुलर एरिया, बीच में सर्कुलर एरिया, चीक्स पे ये वाला एरिया, ठीक है? और चिन पे ये वाला, अपना जो स्टैंडर्ड हमेशा छोड़ते हैं, ठीक है? तो हेयर्स को छोड़ दो अभी, या फिर एक काम करो, जो हेयर्स वाला एरिया जितना फोरहेड पे आ रहा है तो सब शेड कर लो। कैसे? इस तरीके से वर्टिकली शेड करना स्टार्ट करो। अब जरूरी नहीं है कि एक बार ऊपर से नीचे पूरा करो, व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से इतना इतना करो, ठीक है? बीच में सर्किल बनाना है, तो एक इमेजिन कर लो यहाँ पे सर्किल, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे आएगा सेंटर की तरफ लाइट करते जाना और रुक जाना, ठीक है? फिर ऊपर ऊपर भी करेंगे अपन। ये ऊपर ऊपर का शेड किया अपन ने, यहाँ सेंटर पे थोड़ा छोड़ा, ओके, यहाँ यहाँ आराम आराम से शेड किया, ओके, तो यहाँ पे अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे छोड़ा ही, आईब्राउज को बीच में करेक्ट करो ऐसे धीरे धीरे शेड करते हुए। तो एक एरिया सा अपन ने छोड़ दिया, ओके, तो इसको क्या करेंगे, जब अपन ब्लेंड करेंगे तो सर्कुलर चलाएंगे यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, अपन को स्मूथ देना है स्किन टेक्सचर, तो रफ ना करो शेडिंग और ब्लेंडिंग, एकदम जितना स्मूथ हो सकता है उतना स्मूथ रखो। आते हैं आईज पे, तो आईज पे कैसे करना है, आईज पे ऐसे हॉरिजॉन्टली करो आराम आराम से, आईज पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। जो नीचे वाला एरिया है उसे ऐसे से कर्व करते जाओ, उससे जो थोड़ा टेक्सचर है वो आता जाएगा, बाकी इसके ऊपर पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में करना तो बेटर रहेगा, ठीक है? सेम चीज अपन राइट आई में करेंगे, ये वाला एरिया अपन एक बार में पूरा शेड कर दो स्मूथली, उसके बाद धीरे धीरे बिट्स बाय बिट्स अपन ये करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आराम आराम से आईज के नीचे वाले एरिया में किया अपन ने शेड। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके नीचे है तुम्हारे चीक्स, तो ये वाला एरिया अपन को छोड़ना है। अब गलती कैसे करते हैं अपन कि एकदम आउटलाइन ड्रॉ कर लेता, आउटलाइन ही ड्रॉ करनी है, ये है, तो हल्का हल्का यहाँ शेड किया, ठीक है? फिर ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर में शेड करो, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर में शेड करते गए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहाँ सर्कुलर में शेड करते गए। उससे क्या होगा, एक बॉर्डर सी भी बनेगी और तुम्हें एक एरिया भी पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको एकदम खाली छोड़ेंगे अपन एंड ऑफ दी स्केच तक, इसे धीरे धीरे हर पेंसिल शेड के साथ ब्रश लाते जाएंगे और फिर उसे ग्रेफाइट से फिल करेंगे, ठीक है? सेम चीज अपन करेंगे अपने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे जो नोज का आ रहा है, तो देखो जैसे नोज का है, तो गलती अपन कभी कभार क्या करते हैं, एक मिनट अपना, तो देखो नोज को करते हुए आना है अपन को। अब नोज का एक चीज ध्यान रखो, सेंटर से स्टार्ट करो ऐसे धीरे धीरे, ये सब अपन कर्व वाला खाली छोड़ना है, तो मतलब अगर अपन को इतना एरिया खाली छोड़ना है तो इतने पे हाईलाइट है तो इससे ज्यादा थोड़ा खाली छोड़ते हैं, क्योंकि वो ब्लेंडिंग में धीरे धीरे कवर होता जाता है। ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेड करो, शेप में लाना, ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा ऊपर ले गए, ऐसे थोड़ा शेप में लाए क्योंकि ये कर्व आ रहा है, ठीक है? इसको भी धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट लाए, फिर ये बाकी का एरिया अपन ने नॉर्मल तरीके से शेड कर दिया। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, इसको ऐसे शेड करते हुए स्ट्रेट लाए, धीरे धीरे कर्व किया, ठीक है? आराम आराम से शेड करते गए, ओके,
अभी बाकी का एरिया जो है तो थोड़ा डायगोनल में शेड करो। ओके, तो चीक्स वाले एरिया पे जैसे ये वाला है थोड़े बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ। यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे बॉर्डर पे चलाओ। जैसे इसमें उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं है, ठीक है, तो ये इस एरिया में हल्का हल्का सा ऐसे शेड करते जाओ, हल्का सा, बहुत लाइटली। ओके, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शेड करते जाओ और ये अपने दोनों चीक्स वाले एरिया हो गए। ओके, लिप्स और नोज के बीच वाला एरिया सिंपल सा है, यू जस्ट हैव टू फिल इट। तो वर्टिकली ऐसे शेडिंग कर करके आई एम जस्ट फिलिंग इट। ओके, अब आते जरा जरूरी चीज, देखो ये जो डार्क एरिया है लिप्स के नीचे वाले चीक्स पे, इनको थोड़ा डार्क करना हर लेयर में। सी एच वी से कर रहे हो तो ये वाला एरिया ऐसे थोड़ा डार्क होना चाहिए। ठीक है, फिर ये यहाँ यहाँ पे थोड़े थोड़े से वो है ना फेशियल फीचर्स, ये आराम आराम से शेड करो। ठीक है, अच्छा इन जो लाइंस खींचे इनके बीच स्पेस है वो खाली छोड़ देना, अभी इन पे शेड मत करो, कि जब अपन ब्लेंड करेंगे तो वो ब्रश से कर देंगे। धीरे धीरे ये एरिया डार्क शेड किया अपन ने, आराम आराम से इसे धीरे धीरे बाकी का एरिया शेड करो लिप्स के बाहर का। ये बीच वाला एरिया छोड़ देना, बहुत ज्यादा ऐसे अपन को डार्क करने की जरूरत नहीं है, ये वाले एरिया पे शेड करेंगे। ठीक है, लिप्स के नीचे नीचे शेड किया, वैसा नहीं कि बस थोड़ा सा शेड करके छोड़ दे, डार्क टू लाइट लाइन, थोड़ा डार्क लाए नीचे लाते लाते लाइन, ये डार्क है। ठीक है, ऊपर ले जाते थोड़ा सा लाइट, और फिर इसे धीरे धीरे साइड में कर्व सा कर देंगे ताकि ये एक सर्कुलर एरिया ओवल शेप बन जाए अपना। ओके, नेक का भी अपन साथ साथ करते जाओ हल्का हल्का, तो नेक वाला भी जो पोर्शन है उसको भी अपन, कि वो भी स्किन का ही पार्ट हो जाता है। तो ये अपनी फर्स्ट लेयर पूरे चेहरे में शेड हो गई। ओके, तो इतना कर लो। ठीक है, ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कॉटन से कर रहा हूँ, फोरहेड वाला एरिया आता है, कॉटन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्मूथली हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो पहले देख लो कॉटन किस तरीके से एक बट टाइप बना लो, बहुत सॉफ्टली यूज करना, घिस के नहीं। इसे हाईलाइट है तो आधा हिस्सा हाईलाइट वाले खाली पोर्शन पे और बाकी का हाफ हमारा ग्रेफाइट में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे है, जैसे यहाँ पे आधा 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 इस तरीके से चलना है। ओके, सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जैसे धीरे धीरे कर करके सर्कल थोड़ा सेंटर पे ले आओ। यही चीज आराम आराम से थोड़ा हॉरिजॉन्टली चला सकते हो ताकि स्मूथली आ जाए। कैमरा थोड़ा हिल गया, तो देखो तो ये थोड़ा स्मूथली आ गया। ओके, और जैसे थोड़े डेलिकेट एरिया होते हैं जैसे नोज और लिप्स के बीच का एरिया, ये उतना ज्यादा अपन को बहुत वाइड नहीं है, और जैसे हाईलाइट डार्क पोर्शन अपना, इसको क्या करना है, ये वाले एरिया जो डार्क है एकदम, इसको ब्रश से करना है अपन को। ये वाला एरिया ब्रश से करना है। ओके, ये वाला एरिया जो डार्क था अपना, वो अपन को ऐसे ब्रश से करना है। ठीक है, जो हाईलाइट वाला था बीच में उस पर हल्का हल्का ब्रश चला लो, कवर हो जाएगा लिप्स की आउटलाइनिंग जो है, उस पर अच्छे से चलाना ब्रश ताकि वो थोड़ा डार्क दिखे। लिप्स के बीच चिन पे जो आ रहा है, क्या करो ऐसे टिप लो, ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ। ठीक है, इसके अराउंड ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ, तो उससे क्या होगा, जो डार्क एरिया है वो ब्लेंड हो जाएगा और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसका हल्का फुल्का सा ग्रेफाइट आ जाएगा।
ओके सेम चीज अपन नेक पे करते हैं। नेक पे तो हल्का सा ऐसे बस रब कर दो। नोज का आप देखो, नोज का क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे कर्व चलो सर्किल में, ठीक है। धीरे धीरे कर्व करा, ऊपर ऊपर करते गए, फिर ऐसे एक सर्कल टाइप बना, जैसे यहाँ पे देखो ये बीच में ज्वाइन हो रहा है, यही सेम चीज हल्का हल्का ब्रश से करेंगे अपन, ऐसे कर्व करते जाओ। यहाँ ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ, यहाँ धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है। ऐसे कर्व करते हुए धीरे धीरे ऐसे अंदर लाते गए, अंदर लाते गए, इसे धीरे धीरे कर्व करते हुए ऐसे अंदर लाते गए। ओके, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, बहुत ज्यादा ऐसे खाली भी नहीं छोड़ना है अपन को। ओके, जो भी एरिया ब्रश से करे हैं, जो एरिया कॉटन से करें उस पर एक बार ब्रश चला दो हल्का हल्का, जहाँ थोड़ा थोड़ा रफ दिख रहा है, और ये अपना फर्स्ट लेयर ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। सेकेंड लेयर से अपन नेक्स्ट क्लास से अपन सेकेंड और थर्ड लेयर देंगे, ठीक है। फिर जो डेप्थ आ रही है वो देंगे।